विधायक के पहुंचते खुल गई भ्रष्टाचार की पोल। बिना क्वालिटी टेस्ट ही एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में खाद्यान्न का किया जा रहा था लोडिंग। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के लिए आए दिन नित नए नए घोषणाएं करती रहती है। वहीं गरीबों को एक रुपए किलो में अनाज उपलब्ध कराने की सरकारी योजना पर राइस मिल संचालक, क्वालिटी टेस्ट ऑफिसर व केंद्र प्रभारी के मिलीभगत से पलीता लगाया जा रहा है। नियम कानून को दरकिनार कर अमानक चावल का भंडारण व वितरण किया जा रहा है। अमानक चावल वेयरहाउस के माध्यम से सोसाइटी तक पहुंच रहा है और इन चावलों को सोसाइटी के माध्यम से गरीबों में बांट दिया जाता है। गौरतलब हो कि दिनांक 25 फरवरी को क्षेत्र में मिल रही लगातार शिकायतों को देखते हुए पुष्प राजगढ़ विधायक फुंदीलाल सिंह मार्को ने राजेंद्र ग्राम वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया और मिलरों के यहाँ से आया हुआ चावल का अपने सामने ही क्वालिटी इंस्पेक्टर से जाँच कराया व गोदाम में खाली होने आए अन्य गाड़ियों के लाट का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचारियों की पोल ही खुल गई। एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में सीधे खाद्यान्न को खाली कराया जा रहा था। दूसरा हमने देखा कि एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी जो है लोग लोड किए जा रहे हैं। तो जो नियम है, जो शासन के दिशा निर्देश है, उसका पालन जो है नहीं किया जा रहा है, जिस पर विधायक ने जमकर वेयर हाउस प्रबंधक को फटकार लगाई और इन सब की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने व विधानसभा में प्रश्न उठाने की बात कही है। आपको बता दें, कस्टम मिलिंग राइस के चावल को मिलर द्वारा वेयर हाउस की गोदाम में जमा किया जाता है, जिसे गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा तय मापदंडों के आधार पर चेक कर भंडारित करने के आदेश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन बोरों में वजन, लाट नंबर, मिलर का नाम आदि अंकित होना आवश्यक है, लेकिन राजेंद्र ग्राम का वेयर हाउस प्रबंधन मिलरों से मिलीभगत कर सीधे ही बिना जाँच भंडारित करा रहा है और यही अमानक चावल गरीबों को वितरित कर सरकारी योजना में पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। जबकि इन सब मामलों को लेकर दो दिवस पूर्व जय संगठन की जिला इकाई ने पुष्प राजगढ़ SDM अभिषेक चौधरी को इन सब मामलों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से कार्यवाही करने की बात कही है। साथ ही जय संगठन ने कार्यवाही न करने की दशा में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए संभागीय रिपोर्टर मनीष अग्रवाल की यह खास रिपोर्ट। आपके गोदाम में जो चावल आके रखाया जा रहा है वो सीधे रखा दिया जाता है, इसकी परमिशन आपको कौन देता है? नहीं, डंप कराते हैं। अभी तो आपके हमाल लोगों ने कहा है कि डंप नहीं कराते हैं। नहीं, डंप कराए हैं, अभी रखा है, डंप है अभी। कहाँ कराते हैं डंप? गोदाम के अंदर। तो गोदाम के बाहर डंप कराने का एक गोदाम के अंदर है, तो ये गाय बैल जो सब खा जाते हैं यहाँ पर, कुछ काटने उसको। आपकी एक ऑडियो रिकॉर्डेड रखी हुई है, कुछ लोगों ने रखा हुआ है, जिसमें आप पर लाख 1,000 लेते लेन देन की बात करते हुए पाए गए, उस विषय में आपका क्या कहना है? ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि लोग किस मंशा से ऐसा कर रहे हैं, ये तो अभी जांच का विषय होगा, लेकिन हमने अधिकारियों को जो यहाँ वेयर हाउस में हैं, चाहे नान के हों, चाहे हमारे गोदाम के हों, उन सबको हमने कहा है कि जो भी माल या चावल या गेहूं बाहर से आता है उसको डंप करके उसके पूर्णतः क्वालिटी चेक किया जाए प्रॉपर, और जब संतुष्ट हो जाए इसके पश्चात ही क्षेत्र में भेजा जाए, ताकि ये जो खाद्यान्न है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दिया जाता है, और ये इसके खाने से यदि अच्छा है तो अच्छा स्वस्थ रहेगा, यदि खराब है तो नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब बातों को हमने देखा है और आगे हम बात भी करेंगे। अभी 7 मार्च 2022 से मध्य प्रदेश की विधानसभा है, हम वहाँ भी ये बात को हम रखेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको अच्छी किया जाना चाहिए, और एक ही व्यक्ति वही कनिष्ठ है, वही अधिकारी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो है वह लिपिक है, वही जांच अधिकारी भी हो गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्था जो है ये सोच के परे है। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय का ये क्षेत्र है, जहाँ 85% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिस उद्देश्य के साथ जो है इस खाद्यान्न को गांव तक, जनता तक भेजी जाती है, वो अच्छा हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, ऐसा हम मानते, इस पर हम चर्चा करेंगे।